प्रदेश में लंबे वक्त से लॉकडाउन के बाद आखिरकार पंचवन कार्यालय खुल गए हैं और कामकाज शुरू हो गया है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ निराशा ही हाथ लग रही है और दफ्तरों से वापस खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। नई व्यवस्था के मुताबिक अब पंजीयन उन्हीं का होगा जो पहले से ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले चुके हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से आपको आपके मोबाइल पर घर बैठे मैसेज मिल जाएगा कि रजिस्ट्री किस वक्त की जाएगी। ये सारी व्यवस्था कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए की गई है। अगर आप पहले जैसा पूर्व अनुभव के आधार पर रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचते हैं तो आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। और उस व्यवस्था के ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पंजीयक साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया है उसको यहाँ रुकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आएगा 15 मिनट में अपना काम कराएगा और चले जाएगा, इसलिए यहाँ पे भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए यहाँ पे 6-7 पुलिस लगाए गए हैं। जो पुलिस लगाए वो जिनके पास पास है, जिनको ये पंजीयन में उनको जो मोबाइल में उनका मैसेज है उन्हीं को अंदर आने दिया जा रहा है। यहाँ कोई एडवोकेट या दस्तावेज लेखक कोई अंदर नहीं आ पा रहे हैं। ये अब जैसे आप ई पंजीयन की बात करें, वो वेबसाइट का क्या नाम है, क्योंकि जनता यहाँ आते हैं खाली हाथ लौट जाते हैं तो उनको बताना जरूरी है, वेबसाइट का क्या नाम है? ये वेबसाइट है जो पंजीयन के लिए ऑनलाइन में जो अप्लाई करेंगे उस वेबसाइट का नाम है epanjian.cggovernment.in। ये वेबसाइट है, इसमें कोई भी व्यक्ति जो रजिस्ट्री कराना चाहते हैं वो आके इसमें ऑनलाइन से मोबाइल से वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कैमरामैन श्याम के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।